नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक साइंस के चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल के प्रश्न नंबर 14 पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हमारा वर्गमूल एवं घनमूल का प्रश्न नंबर 14 है। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों, पहले तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। दोस्तों, यह प्रश्न कह रहा है कि 294 में ऐसी किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा की जाए, ऐसी किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा की जाए कि गुणा करके जो मान आए वह एक पूर्ण वर्ग हो। गुणा करके जो दोस्तों मान आए वह एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 2 दे रखा, दूसरे ऑप्शन में 3, तीसरे ऑप्शन में 6 और चौथे ऑप्शन में 24। दोस्तों, इन चार संख्याओं में से एक संख्या तो होगी जिसकी गुणा 294 से करने पर जो मान आएगा वह एक पूर्ण वर्ग होएगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑप्शन की संख्या की गुणा 294 से करते हैं। तो मैं पहले 294 में 2 की गुणा कर देता हूं। तो दोस्तों, जब मैं 294 में 2 की गुणा करूंगा तो हो जाएगा मेरा 588। कितना हो जाएगा दोस्तों? 588। अब दोस्तों, मुझे ये चेक करना होगा कि 588 किस संख्या का वर्ग है, 588 किस संख्या का वर्ग है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं 588 के फैक्टर कर लूँगा। तो मैं दोस्तों 588 के फैक्टर कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल सके ये किस संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों, 2 से मैं काट लेता हूँ इसे 588 को। तो 2 × 4 लगा 1, 2 × 18 2 × 8। फिर से दोस्तों, मैं 2 से इसे काट लेता हूँ 294 को। 2 × 1 = 2 2 × 8 2 × 7 = 14। तो दोस्तों, मैं फिर से 147 को काट लेता हूँ 3 से। दोस्तों, 3 × 4 = 12 बचा 2, 3 × 3 = 27। दोस्तों, 49 कौन सी संख्या से कटेगा दोस्तों? 7 से। तो मैं 7 से काट लेता हूँ 7 × 7 = 49। अब दोस्तों, 7 कौन सी संख्या से कटेगा? 7 से कटेगा, तो 7 × 1 = 7। अब दोस्तों, मैंने 588 को जिन जिन संख्याओं से काटा है, मैं उन संख्याओं के जोड़े बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, 7 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, परंतु दोस्तों 3 का जोड़ा नहीं बना। तो इसका मतलब 588 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का दोस्तों क्या नहीं है? वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन तो गलत हो गया। तो दोस्तों, अब आते हैं बी ऑप्शन पर। तो दोस्तों, हमारे बी ऑप्शन में संख्या दे रखी है 3। तो मैं 294 की गुणा 3 से कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं 294 की गुणा 3 से कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, मैं 294 में 3 की गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों, 3 × 12 लगा 1, 3 × 27 = 28 का 8 का लगा 2, 3 × 6 = 2 = 8। दोस्तों, जब मैं 294 में 3 की गुणा करूँगा तो मेरा आ जाएगा 882। कितना आ जाएगा दोस्तों? 882। तो दोस्तों, जो मेरा मान आया है 882, मुझे देखना होगा कि 882 किस संख्या का वर्ग है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 882 के फैक्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं 882 के फैक्टर कर लेता हूँ। तो 2 × 8 2 × 8 2 × 1 = 2 3 से काट लेता हूँ दोस्तों, 3 × 1 = 3 बचा 1, 14 हो गया, 3 × 12 बचा 2, 27 × 3 = 21। अब दोस्तों, मुझे देखना होगा कि 147 किससे कटेगा। 147 कटेगा दोस्तों 3 से ही, 3 × 12 बचा 2, 3 × 27। अब दोस्तों, देखना होगा कि 49 कौन सी संख्या से कटेगा। तो दोस्तों, 49 कटेगा 7 से, 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7। दोस्तों, मैंने 882 को जिन जिन संख्याओं से काटा है उन संख्याओं के जोड़े बना लेता हूँ। तो मैंने देखिए दोस्तों, 7 का जोड़ा बनना है, 3 का जोड़ा बनना, परंतु 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। दोस्तों, सी ऑप्शन की हमारी संख्या दे रखी 6। तो मैं क्या करता हूँ, 294 में 6 की गुणा कर देता हूँ। 294 में 6 की गुणा कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं 294 में 6 की गुणा कर देता हूँ। 6 × 24 = 4 का लगा 2, 6 × 54 56 × 6 का लगा 5, 6 × 12 = 17।
तो दोस्तों जब मैं 294 में 6 की गुणा करूँगा तो मेरा मान कितना आएगा दोस्तों, 1764। कितना आएगा दोस्तों, 1764। अब दोस्तों मुझे देखना होगा कि 1764 किस संख्या का वर्ग है, तो दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, मैं 1764 के फैक्टर कर लेता हूँ जिससे मैं पता लगा सकूँ कि 1764 किस संख्या का वर्ग है। तो मैं 1764 के फैक्टर कर लेता हूँ। तो दोस्तों 2 8 16 बचा 1 2 8 16 2 2 4। फिर से मैं दोस्तों 200 काट लेता हूँ, 2 4 8 2 4 8 2 1 2। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं 441 को 300 काट लेता हूँ, 3 1 3 बचा 1 3 4 12 बचा 2 3 7 21। अब दोस्तों मैं 147 को 3 से काट लेता हूँ दोस्तों, 3 4 12 बचा 2 3 9 27। अब दोस्तों मेरा मान कितना है, मेरा मान आया 49। 49 कौन सी संख्या से कटा है दोस्तों, 7 से, 7 7 49 और 7 1 7। अब दोस्तों मैंने 1764 को जिन जिन संख्याओं से काटा है, मैंने 1764 को जिन जिन संख्याओं से काटा है, तो दोस्तों मैं उन संख्याओं के जोड़े बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों 7 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 2 का जोड़ा बन गया। तो दोस्तों जोड़े किस किस के बने, 7 का जोड़ा बना और किसका जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, और किसका जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना। तो दोस्तों अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इन तीनों की गुणा कर देता हूँ। तो 7 21 21 2 42, 21 2 कितने हो गए दोस्तों, 42 हो गए। तो दोस्तों 1764 जो है वो 42 का वर्ग है, किसका वर्ग है दोस्तों, 42 का वर्ग है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन है। कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों जब मैं 6 की गुणा 294 में करूँगा तो उसका जो मान आएगा 1764, तो दोस्तों गुणा करके जो मान आया है वह एक पूर्ण वर्ग है, वह एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी पॉलिटेक्निक साइंस के क्वेश्चन हल करने सीख सकें।